कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में आज बसंत पंचमी के मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर होली के त्योहार देखते हुए 5 लकड़ी और उपले रखे गए हैं। बॉर्डर पर आज सुबह हवन किया गया ताकि पर्यावरण में शुद्धि हो। वहीं अब से ठीक 1.25 महीने बाद होली का त्योहार देश भर में मनाया जाएगा। ऐसे में बॉर्डर पर बैठे किसान भी होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बसंत पंचमी का किसानों के लिए बहुत बड़ा अहम पर्व भी होता है। कारण यह है कि भाई जिस तरीके से पतझड़ के बाद में नई कोपले नई फसल तैयार होने लगती है, बड़ी उम्मीद किसान उससे करता है कि भाई अब की बार जो हमारा अन्न है धन धान्य से हमारा जो है खेत लहराते रहें। तो आज हवन यज्ञ करने के बाद में और जो बसंत रखा जाता है होलिका दहन के टाइम पर जो है जिसको होली जलाई जाएगी उस 100 महीने बाद जो है जो होली होगी उसका दहन यहाँ किया जाएगा। क्या होली यहीं मना के जाएगा किसान? बिल्कुल, अगर सरकार नहीं मानेगी तो होली तो मनेगी क्योंकि अब बसंत तो रखा गया, होली का दहन तो यहाँ निश्चित हो गई होगी। हालांकि होली बसंत ऋतु में मनाई जाती है और ये त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वहीं किसानों ने भी बॉर्डर पर बसंत पंचमी के मौके पर हवन किया। दरअसल 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई।